हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए हरियाणा का कुछ इंपोर्टेंट डेटा। इस तरीके का जो डेटा है वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और देख लेना कि इंपोर्टेंट डेटा होने वाला है आपका, तो यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इससे पहले मैं बता दूं, जो इसके अलावा जो डेटा मैंने नहीं लिखा वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बाकी का डेटा मैं करवा चुका हूं वो यहां पर मैंने नहीं लिया है। जो बजट में डाटा मैं करवा चुका हूं वो मैंने यहां पर नहीं लिया है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे को लगा कि यहां पूछा जा सकता है और आपको करवाना चाहिए, तो वो यहां पर मैंने लिया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्षेत्रफल मैंने इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर याद कर लेंगे। उसके बाद हरियाणा में जो चालू कारखाने हैं वो कितने हैं 21-22 के डाटा के अनुसार, ये आपकी गवर्नमेंट साइड से जो डाटा है वहां से लिया गया है। तो वहां पर लिखा हुआ था कि हरियाणा में चालू कारखानों की संख्या कितनी है, तो 14,417 याद कर लेंगे, हरियाणा में चालू कारखाने 14,417। आपको सिर्फ सुनना है, रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा और ऑप्शन देखते ही टिक लगाएंगे। एक से दो बार रिवाइज कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, क्लियर छुट्टी यहां पे, ठीक है। चालू कारखाने हो गए 14,417। उसके बाद पूछा गया है हरियाणा में बिजली कनेक्शन कितने हैं, तो संख्या में याद करेंगे 73,82,836 हरियाणा में बिजली के कनेक्शन है, तो याद कर लेंगे 73,82,836। अगली बात हम करते हैं कि हरियाणा में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। अगर आपसे विश्वविद्यालय पूछे तो आप लगाएंगे आंसर 57, अगर आपसे महाविद्यालय पूछे तो लगाएंगे 13-41। समझ में आ गया, विश्वविद्यालय 57 और महाविद्यालय 13-41। आगे चलते हैं कि रेलवे मार्ग की लंबाई बतानी है हरियाणा में कितनी है, तो याद कर लेंगे 4463 किलोमीटर। इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी मैंने डाटा करवाया हुआ है, तो दोबारा से ले दिया क्योंकि इंपोर्टेंट है सड़कों वाला और आपका ये रेलवे वाला। सड़कों की कुल लंबाई पूछे तो आपकी कुल लंबाई यहां पर है 30,810, वो है 4463 और यह 30,810, दोनों याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट आपका ये डाटा होने वाला है। यहां से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा और पूछा गया है एग्जाम में प्रीवियस और, देख लेना उठा के, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में जनसंख्या पूछे तो सबको पता है कि 2,53,51,462 याद कर लेंगे, एग्जाम में पूछी गई है डायरेक्ट, और ये पूछे कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है हरियाणा में जनसंख्या में, तो हरियाणा की याद करेंगे 19.9%, ये 10 की वृद्धि है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जनसंख्या जिले की पूछे तो फरीदाबाद लगाएंगे, सबसे कम पूछे तो पंचकुला। तो जनसंख्या का जो डाटा है गणना का, वो मैंने अलग से भी करवाया हुआ है कंप्लीट, वहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा की जनगणना 10 या 12 मिनट की वीडियो है कंप्लीट, वहां पर रैंक के साथ करवाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा कहां पर है, फरीदाबाद 18 लाख याद करेंगे, पंचकुला 5.5, ठीक है 5 लाख के करीब याद कर लेंगे, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके साथ साथ 10 के वृद्धि पूछेगा प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा कहां पर है भैया, गुरुग्राम में है 73.96%, सबसे कम भी पूछ सकता है तो सबसे कम कहां पर है, झज्जर में 8.9, सबसे ज्यादा पूछे फरीदाबाद में, सबसे कम जनसंख्या पूछे तो पंचकुला में, हरियाणा की पूछे तो बता दी है 10 के वृद्धि 19.9। अब आगे पूछेगा कि गांव कितने हैं, सबसे ज्यादा गांव पूछेगा आप, इंपोर्टेंट डेटा है। सबसे पहली बात तो हरियाणा में गांव कितने हैं, तो याद कर लेंगे 6,841 2011 के अनुसार है ये, यही पूछेगा। अब सबसे ज्यादा गांव कहां पर है, यमुनानगर में 636, सबसे कम पूछे तो रोहतक लगाएंगे 143। ऑफिशियल साइट का ये डाटा है, गलत नहीं है बिल्कुल, यही आपको याद करना है, डिक्टो आपसे यही पूछा जाएगा, इसका प्रूफ आप चाहो तो मैं दे सकता हूं आपको, ठीक है, साइट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा गांव कहां पर है, यमुनानगर में 637 याद कर लेंगे, सबसे कम कहां पर है, रोहतक में 143, टोटल पूछे तो 6,841। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा में पुलिस थाने कितने हैं, तो हरियाणा में पुलिस थाने कितने हैं, 313 पुलिस थाने हैं। कितने पुलिस थाने हैं हरियाणा में, 313, याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट वेरी इंपोर्टेंट डेटा एग्जाम में पूछा गया है, मतदाताओं की संख्या,
ठीक है, मतदाताओं की संख्या पूछे आपसे तो याद कर लेंगे, तो कब तक की है ये, 5/1/2022 तक की है ये, यहीं तक आपको करनी है कि 192.20 लाख लाख में है। अब मतदाता पूछे हैं तो ये हरियाणा की है, अब सबसे कम और सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा भाई फरीदाबाद में है, सबसे ज्यादा मतदाता जनसंख्या भी वहीं पर है, तो यानी कि मतदाता भी वहीं पर होंगे, तो कितने 16.11 लाख। लेकिन कम यहां पर आपका चेंज हो गया, जो सबसे कम है वो चरखी दादरी में है, 3.92 लाख मतदाता कहां पर है, चरखी दादरी में। अगला डाटा याद करते हैं। देखो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट डाटा मैं लेकर आया हूं, पूरा निचोड़ आपकी जो फाइल थी वहां से निकाला है, वीडियो को लाइक शेयर करना आपका काम बनता है। हरियाणा में पूछे विधानसभा सीटें कितनी है, सभी को पता है 90 है, पहले 91 होती थी, अब वो नहीं है, अब 90 ही है। तो सबसे ज्यादा पूछे कहाँ पर है, तो हिसार में, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें पूछे तो हिसार में है 7, और सबसे कम पूछे तो दो जगह है, चरखी दादरी और पंचकुला, दोनों में दो दो जगह है, दोनों में दो दो जगह है, याद कर लेंगे, चरखी दादरी में भी दो है विधानसभा, पंचकुला में भी दो है, ज्यादा पूछे तो हिसार में। उसके बाद लोकसभा की बात करें तो कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, 10 जिलों में 1-1 सीट है, 10 जिलों में 1-1 सीट है। उसके बाद हरियाणा में डाकघर पूछे कितने हैं, तो 2697 डाकघर हैं हरियाणा में, 2697 डाकघर हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख लेना, पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको रिवाइज कर लेना। ये था आपका इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।